तो सद्भावना हॉस्पिटल जी, आपका नाम तो सद्भावना है लेकिन भावना नाम की आपके अंदर कोई भी चीज हमें दिखी नहीं। तो मालूम चला कि हॉस्पिटल का जो था बहुत ही ढीला ढाला रवैया था, वहाँ पर हमारा तो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हुआ और रितु को इस हालत में उन्होंने कर दिया कि रितु की जान चली जाती है। बिल्कुल ऐसी हालत कर दी उन्होंने, जिस चीज का ट्रीटमेंट होना था उस चीज का तो ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ ही नहीं। इतना छोटा सा बात का उन लोगों ने इतना बड़ा बनाया। भाई रो रहा है, यहाँ पर डैडी रो रहे हैं, यहाँ पर मम्मी रो रही है, मतलब ये हालत था यहाँ पर भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले आप लोग को जो है धन्यवाद कहेंगे, और धन्यवाद भी लगता है आप लोगों के लिए जो है शब्द थोड़ा कम पड़ जाएगा, क्योंकि जब रितु को खून की जरूरत थी और हमने जो इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला हुआ था, एक स्टोरी डाला था जहां पर हम डोनर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो लाखों की संख्या में लोग जो है आए, इतने सारे मैसेज आए, इतने सारे कमेंट आए। बहुत सारे लोग जो थे अदर स्टेट से थे, वो कह रहे थे हमारा जो ब्लड ग्रुप है एबी पॉजिटिव है जो कि रितु का है, तो हम जो है गुजरात से आ जाएंगे, आप बताइए तो अगर इमरजेंसी हो तो। देश से भी बाहर थे वहां सब कह रहे थे, देखिए हम लोगों के लिए आना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि रितु जो है थोड़ी ठीक हो जाए। थैंक यू जी, हम लोग जो है सोशल मीडिया को अपनी फैमिली समझते हैं, और सच में आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोग किसी फैमिली मेंबर से हम लोगों के लिए कम नहीं है। तो थैंक यू सो मच। जितना बोले आप लोगों के लिए उतना कम है, हमने सोचा नहीं था कभी, ऐसे कभी ऐसा मुसीबत आया भी नहीं था, भगवान ना करे कभी फिर से ऐसा आए, और कभी सोचे नहीं थे कि आप लोग इतना ज्यादा हमारे लिए दुआ करोगे, हमारी मदद करोगे, लेकिन आपने सोचने से भी ज्यादा कर दिया। हाँ जी, और हाँ जी, अब आते हैं एक सवाल पर, जो सवाल जो है लगातार आए जा रहा था। जब हमने यह स्टोरी डाला था उस समय भी यह सवाल आया था, और जब हमने थैंक यू कहा था कि ब्लड का इंतजाम हो गया उस समय भी यह सवाल आ रहा था कि आखिर रितु को हुआ क्या था, भैया रितु को क्या हुआ था, आपने कुछ बताया नहीं उसके बारे में। तो जी हम ऐसा करते हैं कि आपको हर एक जो घटनाक्रम जो है सीक्वेंस में बताते हैं, ताकि हमारे जो भी सब्सक्राइबर जो है मेडिकल फील्ड से हो वह जो है उचित सलाह दे पाएंगे। हालांकि बहुत सारे जो उनके सलाह हमें ईमेल पर मिलते रहते हैं, और आपके जो सलाह है सच में जी बहुत काम की होते हैं, हमें बहुत मदद मिलती है उनसे। तो जी अब शुरू करते हैं, आपको हर एक घटना जो है सीक्वेंस में बताते हैं। तो जी बात है उस दिन की, जिस दिन रितु का जन्मदिन था। तो जिस दिन रितु का जन्मदिन था उसको जो है ब्लीडिंग हो रहा था बहुत ज्यादा, तो हम लोग जो है चले गए थे डॉक्टर सीमा मिश्रा के पास, जो कि हमारे आंटी है जी, हम उनको आंटी कहते हैं, हमारी दोस्त की माँ है वो। तो हम लोग वहाँ पर चले गए, वहाँ पर जो है रितु का जो है ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पर जो है ब्लड टेस्ट कराया गया, यूरिन टेस्ट कराया गया, सब कुछ में जो है नॉर्मल निकला। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया गया, वहाँ भी सब कुछ जो है नॉर्मल निकला। तो हमें लगा कि चलो सब कुछ ठीक है, उन्होंने एक मेडिसिन लिखा था तो वह मेडिसिन भी खाई, तो शायद उससे उसको उस समय एडवांटेज मिला था। उसके बाद हम लोग घर चले आए, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे हमने रेस्टोरेंट में खाना सब भी रेस्टोरेंट में वहाँ पर खाना खा करके हम लोग आए, क्योंकि हम लोग जो सुबह 10 बजे गए हुए थे उस समय बज गए थे शाम के 4, उस समय तो कुछ भी हमने नहीं खाया था। और इनको लगा कि रितु का बर्थडे भी है, हम लोग कुछ नहीं सेलिब्रेट कर पाए, चलो थोड़ा सा ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। हाँ जी। तो हम लोग रेस्टोरेंट चले गए, खाना पीना खाए, अच्छे से खाए, उस टाइम रितु बहुत ही अच्छी थी। और फिर हम लोग घर आए तो वो मैसेज किए हमको, भाभी हम ठीक है, ब्लड फ्लो रुक गया है, हम भी खुश हो गए। और उसके बाद एक दिन वो वेट की थोड़ा थोड़ा उसका, लेकिन बोली कि भाभी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, तो वो इंतजार की हो सकता है मेडिसिन से रुक जाए, तो एक दिन वो इंतजार की। उसके अगले दिन क्या हुआ, पतिदेव चले गए मूवी देखने, चले गए थे मूवी देखने के लिए। उस दिन था सैटरडे, उस दिन था वीकेंड, तो सभी दोस्त सोचे कि चलो अब जो है पूर्णिया जा करके वहाँ पर थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं। तो ये चले गए मूवी देखने, और मोनू आके बताता है कि भाभी उसका ब्लड फ्लो नहीं रुक रहा है। तो माँ बोली ठीक है चले जाओ डॉक्टर के पास, वो इतनी ठीक थी कि वो खुद से जा सकती थी, और मेरे पास बाबू था, हम नहीं जा सकते थे, गाड़ी भी नहीं थी, तो वो बाइक से ही चली गई और जा सकती थी, इतनी स्वस्थ थी वो। और जब वहाँ पहुंची, डॉक्टर से दिखाई, उसके बाद मोनू का कॉल आता है हमें, हमने इनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि रितु का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मुझे, आप जल्दी से आ जाओ। हाँ तो ये वहाँ पे पहुंचे ही थे उस टाइम, तो बोले ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ से कॉल आता है मोनू का कि भाभी रितु का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, अब रितु नहीं बचेगी, आप जल्दी से आइए। तो फिर माँ बोली कि तुम यहाँ घर पे रहो, बाबू भी है, हम जाते हैं। फिर माँ गई वहाँ पे, आंटी बताई कि इसको ब्लड की जरूरत है, ब्लड यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप जाइए पूर्णिया। और एक MRI टेस्ट भी उन्होंने लिखा कि वो जाकर के आप पूर्णिया में करवा के आओ। फिर जी हुआ कि हम जो है रास्ते से लौटने लगे, और हम जो है मम्मी को कॉल किए, पूछे कि तुरंत आना पड़ेगा, मम्मी कह
कि नहीं नहीं अभी देखो तुरंत नहीं आना पड़ेगा, अभी यहाँ पर जो है सबको टेस्ट सब चल रहा है, तुम आराम से ड्राइव करके आना, हड़बड़ा के नहीं आना। मम्मी को डर था कि यहाँ जो है पैनिक में एकदम ड्राइविंग करके आएगा तो कुछ दिक्कत ना हो जाए। हम कहे नहीं नहीं हम आराम से गाड़ी चला करके आएंगे, तुम जो है वहाँ पर ट्रीटमेंट कराओ। फिर जी क्या हुआ, जैसे ही हम रूम पर पहुंचने वाले थे, अपना अपना जो गेट है वहाँ पर जो है जैसे ही हम घुसने वाले थे, अपना जो गाड़ी है वहाँ पार कर दिए थे अपने साले के जहाँ पर हमारा गाड़ी लगा रहता है, और फिर हम अपने रूम में आने लगे। जैसे ही अपने रूम में आने लगे उसी समय दीदी का कॉल आता है, दीदी मतलब कि मेरी मम्मी का कॉल आता है कि रितु को जो है पूर्णिया रेफर कर दिया गया है, अभी हम लोग को इमीडिएट पूर्णिया निकलना पड़ेगा। तो जी हुआ क्या, मेरे पैर के नीचे से ऐसा लगा कि जमीन खिसक गई। भाई साहब हमें भरोसा ही नहीं हो रहा था, लग रहा था सब कुछ तो अभी नॉर्मल था, इतना ज्यादा सीरियस कैसे हो गया। तो फिर हमने कहा कि ठीक है सभी लोग चलते हैं पूर्णिया, जल्दी से गाड़ी निकाला। तो फिर सभी लोग को कटिहार से जो है उठाए, फिर उसके बाद जो है पूर्णिया लेकर के चले गए वहाँ पर। फिर जब हम लोग पूर्णिया गए, पूर्णिया में हम लोग गए सद्भावना हॉस्पिटल, वहाँ पर जो है एडमिट हुआ और वहाँ पर जो डॉक्टर सबसे पूछ रहे थे, तो फिर वो सब कह रहे थे नहीं अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, तो नॉर्मल सा रूम में जो है एक एडमिट किया जो उनका होता है। फिर 5 घंटे बाद कहते हैं क्या रितु का जो है ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अब जो है इसको आईसीयू रूम में एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक है आप करो, जो भी आपको सही लगे आप करो। फिर उन्होंने जो है उसको आईसीयू में एडमिट किया, वहां भी हम डॉक्टर से अपडेट लिए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो डॉक्टर कह रहे थे हाँ सब कुछ ठीक है। हम जो है उनसे टेस्ट के बारे में भी पूछ रहे थे कि कुछ टेस्ट भी करना होगा, वो कह रहे थे कि अभी जो है टेस्ट करेंगे, पहले जो इसका हीमोग्लोबिन बैलेंस में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है रितु को ब्लड भी चढ़ाया जा रहा था, हम लोग ब्लड का भी इंतजाम सब कर रहे थे। तो आपने जो है स्टोरी देखा था ना जब हम ब्लड के लिए मांग रहे थे, यह उसी टाइम की बात है, उसी टाइम हमने स्टोरी डाला था, क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा डर गए थे, सोच रहे थे कि ब्लड का व्यवस्था करना होगा, तो हम जो है स्टोरी पर डाल देंगे कि जो भी लोग होंगे आसपास के जुड़ जाएंगे। भले फैमिली में भी लोग थे लेकिन हमें लगा कि कहीं बाय चांस फैमिली मेंबर्स टाइम पर नहीं आ पाए, बाकी लोग को तो खा करके देख ले। सच में जी रिस्पांस भी काफी आया, काफी लोग तैयार भी थे देने के लिए, लेकिन फैमिली मेंबर में ही इंजाम हो गया और उसको जो है ब्लड चढ़ने लग गया। सब कुछ यहाँ तक जो है लग रहा था कि नॉर्मल चल रहा था। मम्मी को लेकर के आ गए हम घर, क्योंकि मम्मी को देख रहे थे हॉस्पिटल में, वहाँ हो रही थी नर्वस। तो हम मम्मी को करते क्या थे कि रात को जो है लेकर के आ जाते थे, और फिर सुबह सुबह हम और मम्मी निकल जाते थे, फिर मम्मी को रात को लेकर के आ जाते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि हम जो है मम्मी को लेकर के आ गए थे, फिर उसी ठीक रात को 1 बजे मोनू की गाड़ी कॉल आता है। 8 बजे आईसीयू से उसको निकाल दिया, 2 दिन 8 बजे आईसीयू से हाँ निकाल दिया, 2 दिन आईसीयू में रखा, उसके बाद 8 बजे रात को निकाला। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए भाई कि अब आईसीयू से निकल गई, अब वो ठीक हो जाएगी। और हम लोग एकदम अच्छे से, मतलब खाना पीना तो किसी को खाया नहीं जा रहा था, लेकिन उस दिन सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और हम लोग आराम से सो गए। बिल्कुल जी, रात के 1 बजे कॉल आता है मोनू का, वो जो रात है कयामत वाली रात होने वाली है, रात को 1 बजे जो है मोनू का कॉल आता है। मोनू कहता है जो यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसी ऐसी बात कहे जी सद्भावना हॉस्पिटल वालों ने, सच में गुस्सा आता है उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि लगता है यूट्रस कैंसर सब है। वो कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 5 घंटा है, इसको यूट्रस कैंसर हो गया या कुछ हो गया, मतलब जितना फालतू चीज होता है वो सारा फालतू चीज जो है मेरे भाई को बोला गया, और मेरा भाई जो है डर गया। जाहिर सी बात है जी, कोई भी डर जाएगा कि किसी की वाइफ के बारे में ऐसा, वो भी कितना छोटा है, एक तो उसको बोलना नहीं चाहिए था, पेरेंट्स को आपको कुछ भी उसको हुआ मान चले हो भी, पेरेंट्स थे वहाँ पर उनको बोलना चाहिए था। वो तो पूरा डर गया, एकदम नर्वस हो गया था, मुझे तो लग रहा था कि क्या हो गया। उसके बाद ये लोग भी बात कर रहे हैं, अब हमको लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमको आए ऊपर, हम तो सोए हुए थे बाबू को लेकर के, माँ इनको कॉल की सोनू नीचे आओ, गए तो इनको ये सब पता चला। और फिर जब ये ऊपर आए तो ये बोलते हैं जिया तुम कपड़ा वपड़ा मेरा थोड़ा सा पैक कर दो, रितु को रेफर कर दिया गया। और मेरा तो लग रहा था ऐसे क्या हो गया, आज तो आईसीयू से निकली है वो, फिर कैसे हो गया। तो बोलते हैं तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, हमको कपड़ा पैक करो, हम निकल रहे। फिर हम लोग जो है वहाँ से जी रात में ही निकल गए, लगभग हम लोग 2:30 बजे के करीब जो हम लोग निकल गए थे, सोचे कि पहले पूर्णिया पहुंच जाते हैं और जो रेफर वाला डिस्कशन है हम लोग पूर्णिया में जा करके कर लेंगे। तो दोनों साइड के फैमिली मेंबर वहाँ पर मौजूद थे, तो हम लोग जी वहाँ पर पहुंचे, और जो वहाँ पर पहुंच करके जो मालूम चला, तो मालूम चला कि हॉस्पिटल का जो था बहुत ही ढीला ढाला रवैया था, और एक भी गायनोकोलॉजिस्ट जो है रितु को देखने नहीं आई थी। भले वहाँ के पर्ची में चढ़ा दिया कि एक जो है गायनोकोलॉजिस्ट देखने आई थी, लेकिन वह देखने नहीं आई थी। रितु कही आईसीयू में कोई भी लेडी डॉक्टर मुझे देखने नहीं आई थी। ऊपर से जो कटिहार की डॉक्टर जो थी सीमा मिश्रा, जो कि हमारी आंटी लगी, उन्होंने जो एक मेडिसिन लिखा था ब्लड फ्लो रोकने के लिए, वहाँ मेडिसिन के लिए भी उन्होंने नहीं बोला कि इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है, वहाँ मेडिसिन जबकि बहुत ज्यादा जरूरी था ब्लड फ्लो को रोकने के लिए। अगर वो मेडिसिन चलता रहता तो रितु का ये हाल नहीं होता, शायद हम लोग को उतना दिन रुकना भी नहीं पड़ता पूर्णिया में। फिर उसके बाद जो हम लोग डर गए, हम लोग सोचे कि अब जो है इसको लेकर के चले जाते हैं दिल्ली, सबसे अच्छा रहेगा वहीं पर। हम सोच ले यहाँ से जाएंगे सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से इन लोग का फ्लाइट का टिकट काटेंगे, 3-4 लोग जो है रितु के साथ चले जाएंगे वहाँ पर दिल्ली। और दिल्ली में भी सब कुछ बातचीत हो रखा था, वहाँ पर अपने जो भी कॉन्टेक्ट थे, वहाँ पर जो भी अपने रिलेटिव थे, वो सब के हॉस्पिटल में हम बात कर रखे, आ जाओ यहाँ पर तुरंत एडमिट हो जाएगी। फिर जी हम लोग तो तैयार थे कि वहाँ पर जाएंगे ही, लेकिन
पूरा काट रहे थे कि आप लेट नहीं करेंगे, एक सेकंड लेट नहीं होगा, आप थोड़े निकलेंगे। बिल्कुल जी, लेकिन उस समय जो है थोड़ा सा सूझबूझ से काम लिया। रितु के जो अंकल है, पंकज अंकल है, छोटे अंकल जो है, तो वह कहे कि देखिए जी, आपको जो है वहां जाने से पहले ब्लड तो चढ़ाना ही पड़ेगा। जी हां, मुझे ध्यान था, जो हमारी डॉक्टर आंटी थी कटिहार की, सीमा मिश्रा जी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली निकलने से या पटना निकलने से पहले कुछ यूनिट जो है, एक दो यूनिट तो ब्लड जरूर चढ़वा लेना, उसके बाद ही जाना। तो मुझे पंकज अंकल के बात में जो है दम लगा कि हाँ सही बात है। तो उन्होंने कहा कि तो मतलब कम से कम 4 से 5 घंटा तो लगेगा, टाइम लगता है। तो हम कहे कि हाँ जी ठीक है। तो कहा कि उसी 4-5 घंटा में डॉक्टर का राय देख लेंगे, अगर डॉक्टर के बात से तुमको लगेगा कि हम लोग को पूर्णिया में ट्रीटमेंट कराना चाहिए तो हम लोग पूर्णिया में ट्रीटमेंट करवाएंगे, नहीं तो आप दिल्ली निकल जाना, जो आपका फैसला है वो हम लोग को मंजूर है। वो ये कह रहे थे कि सिर्फ ये डॉक्टर बोले ना ऐसा, एक दो और डॉक्टर बगल में ही डॉक्टर, पूर्णिया के लगभग जितने भी टॉप टॉप डॉक्टर थे उनको दिखा ले, उन्होंने जो है सभी को दिखाया। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, एक पूर्णिया की सबसे नामी गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर विभाजा, वहाँ पर गए पंकज अंकल, उनका जबकि टाइम होता है 11 बजे से देखने का, वहाँ विभाजा जो है, थैंक यू उनको कहना चाहिए, जितना थैंक यू किया उतना कम है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है 9 बजे आकर के देख लेंगे एक बार, अगर हमें लगेगा कि ये यहाँ पे रख सकते हैं तो हम रखेंगे, नहीं तो आपको हम बोल देंगे कि आप लोग जा सकते हो। बिल्कुल जी, वो रितु को लेकिन 9 बजे से पहले आपको लेके आना, लेके आना होगा। तो उसके बाद जी सद्भावना हॉस्पिटल से कैसे कैसे करके हम डिस्चार्ज कराए जल्दी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही डिले हो रहा था सब, मतलब गरजना पड़ा, चीखना पड़ा। चलिए जी कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है। वहाँ पर हमारा तो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, और रितु को इस हालत में उन्होंने कर दिया कि रितु की जान चली जाती है, बिल्कुल ऐसी हालत कर दी उन्होंने वहाँ पर। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा प्रॉब्लम था, और जो उसके लिए इतना उसको प्रॉब्लम हुआ। और जो उन्होंने ICU में भर्ती किया था, ICU में भी भर्ती करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि रितु आराम से चल फिर रही थी, बात कर रही थी, सब कुछ ठीक था। और जाहिर सी बात है जी, 2 दिन में अच्छा खासा जो है बिल बना करके दे दिया। जाहिर सी बात है जी, उनसे बहस करने का तो कोई वहाँ पर फायदा था नहीं, टाइम था नहीं हमारे पास, तो हमने बिल भर दिया और हमने लिया गेट पास और रितु को लेकर के चले गए डॉक्टर विभाजा किया। तो वहाँ जैसे ही डॉक्टर विभाजा के पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर 101% क्योर हो जाएगी, कोई भी बड़ी बात नहीं। और उन्होंने जो सद्भावना हॉस्पिटल का सब कुछ देखा, वो कही जिस चीज का ट्रीटमेंट होना था उस चीज का तो ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ ही नहीं। फिर जी हमें तो आश्चर्य हुआ, 2 दिन से वहाँ पर रखे हुए हैं और वहाँ पर जिस चीज का ट्रीटमेंट होना चाहिए था वहाँ पर उस चीज का ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। जी देखिए, सद्भावना हॉस्पिटल हो सकता है कि अच्छा हो बाकी सब डिपार्टमेंट में, लेकिन यह जो था डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजिस्ट का, लोगों का उस डिपार्टमेंट में होना था ट्रीटमेंट, वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर और सबको भी देखे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में आ रहे थे, कई लोग तो बता रहे थे पिछले 1-2 साल से वहाँ पर करवा रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है जी, उनका ट्रीटमेंट जो है थोड़ा अच्छा हुआ होगा, उनका ट्रस्ट होगा हॉस्पिटल पर, इसलिए 2 साल से वहाँ पर करवा रहे हैं। लेकिन हमारा जो है एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, पेशेंट को इस हालत में कर दिया उन्होंने कि पेशेंट की जान चली जाती। तो सद्भावना हॉस्पिटल जी, आपका नाम तो सद्भावना है लेकिन भावना नाम की आपके अंदर कोई भी चीज हमें दिखी नहीं, जो जाहिर सी बात है जी। और जैसे ही हम विभाजा के यहाँ आए, हमें लगता है 2 से 3 घंटे में वो ठीक हो गई, रितु ठीक हो गई। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जो हमें मेडिसिन के बारे में जो मालूम चला कि जो मेडिसिन रितु ने खाना बंद कर दिया था, विभाजा बोले कि इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखना था, जो कटिहार में लिखा गया था, अगर आप उसको कंटिन्यू रखे होते तो यह नौबत आती ही नहीं। तो देखिए जी, गलती है यह हॉस्पिटल वालों की। हॉस्पिटल वालों को सारा पर्चा दिया गया था, डॉक्टर सीमा मिश्रा का सारा पर्चा दिया गया था कि इसका क्या क्या ट्रीटमेंट चला है और क्या क्या मेडिसिन चल रहा है इनको। तो उनको बोलना चाहिए ना कि यह मेडिसिन जो है आप कंटिन्यू रखो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वह तो अपना ही क्या से क्या कर रहे थे, भगवान जाने, 2 दिन खाली टाइम पास किया उन्होंने। और जी हम जो अभी वीडियो बना रहे हैं जी, रितु के विभाजा के एडमिट होने के 2 दिन बाद आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, और अभी तक का जो अपडेट है जी, रितु बिल्कुल ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वो आ भी जाएगी घर पर। बिल्कुल जी, रितु का जो है ब्लड फ्लो बंद हो चुका है। विभाजा ने कहा कि इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है आपको, उस मेडिसिन को कंटिन्यू रखी, रितु को जो है ब्लड भी चढ़ा लगभग कुल मिला के 6 यूनिट के करीब, और वह कह रही है कि लेकिन अब जो है सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हें 6 मंथ तक खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान रखना है, तो तुम्हारा चलते रहेगा और ये मेडिसिन तुमको खाना है। बस इतना छोटा सा बात का उन लोगों ने इतना बड़ा बनाया, क्या बताऊं। सारे लोग घर के डर गए थे, हमें तो लग रहा था क्या होगा आगे, पता नहीं। भाई रो रहा है, यहाँ पर डैडी रो रहे हैं, यहाँ पर मम्मी रो रही है, मतलब का हालत ये हालत था यहाँ पर भाई साहब। और हम जो है पिछले कुछ दिनों तक तो हिम्मत रखे हुए थे, लेकिन जिस दिन इस तरह का बात बोल दिया तो हॉस्पिटल वालों ने हमारा भी हिम्मत जवाब दे दिया जी। भाई का जो कंडीशन
कंडीशन देख रहे थे, मतलब देखते देखते आंख से जो है आंसू गिरने लग गया था मेरा वहाँ पर कि क्या हो रहा है ये चीज, भगवान आखिर कैसी परीक्षा ले रहे हैं। जबकि केस जो है बहुत एक छोटा सा था, उस छोटे से केस को जो है उस हॉस्पिटल वालों ने बहुत ही बड़ा जैसा केस बना दिया। तो जी भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि रितु की कंडीशन जो है अभी नॉर्मल है और सब कुछ अच्छा रहा, तो रितु कल तक जो है हमारे घर में होंगी। तो जी बात थी इतनी छोटी सी, और छोटी सी बात का जो इतना ज्यादा बतंगर हो गया हॉस्पिटल में। और थैंक यू कहना चाहेंगे उन दो डॉक्टर का, डॉक्टर सीमा मिश्रा का और डॉक्टर विभा झा का, जिन्होंने जो है अच्छे से ट्रीटमेंट किया, जान बचा दिया, तो क्या होता पता नहीं। सही बात जी। और जी फिर से थैंक यू आप सभी को, आप सभी के दुआओं के लिए, आप सभी के प्रार्थना के लिए और आप सभी की मदद के लिए। आप में से बहुत लोग जो है बढ़ चढ़ कर मदद के लिए आगे आए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।